दोस्तों ये MI 5 है और ये मेरे पास वैसे तो ये पूरा डेड आया था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम लास्ट में हो रही थी, उसको बताने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। पहले फर्स्ट तो मैंने क्या है कि ये फ़ोन आप देखेंगे इसको, ये किसी कारणवश शॉर्ट हुआ था, ये आप सही से देखेंगे इसको, ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा ये शॉर्टिंग की वजह से क्या पूरा डेड हो गया था फ़ोन। उसके बाद क्या है, अपन ने शॉर्टिंग फाइंड करी तो BQ में शॉर्टिंग थी, BQ को मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फ़ोन तो ऑन हो गया लेकिन इसमें चार्जिंग की इशू हो गई। इसमें चार्जिंग क्या है, ना तो शो कर रहा ना चार्जिंग इसमें हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मैंने इस MOSFET को चेंज किया, क्योंकि मैंने ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इस पर मैंने चेक किया कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 के आसपास में इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल रहा, लेकिन इस कैपेसिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें जो मॉसफेट था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने दूसरा इसमें मॉसफेट रिप्लेस मार दिया। इसमें रिप्लेस मारने के बाद क्या हुआ, वैसे यहाँ पे आप जम्पर भी मार सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्लेस करने के बाद में फ़ोन हो गया ओके। उसके बाद मैंने देखा तो ये फ़ोन क्या है, इसमें टेम्परेचर की दिक्कत आने लग गई। मैं जैसे इसको चार्ज में लगा रहा था, इसमें 29% चार्जिंग और बैटरी फुल का सिंबल दिखाने लग गया। मैंने जब फ़ोन को ऑन करा, टेम्परेचर तो लो की दिक्कत आ गई। फिर मैंने थर्मल और आईडी लाइन को फाइंड किया, जो थर्मल लाइन और आईडी लाइन है इनको मैंने फाइंड किया। फाइंड करके यहाँ से देखा, यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही थी, उसके हिसाब से फिर मैंने देखा तो ये जो आईसी है, बहुत सारे आपको शायद पता होगा, किसी किसी क्या बोलते हैं वीडियो में आपने देखा होगा शायद, तो ये इसको रिमूव करने के लिए बोलते हैं इस बार रजिस्टर को। इस वाले रजिस्टर को आपको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस क्या, इसको निकालने के लिए बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको निकालने से क्या होगा, आपके वो अपने टेम्परेचर लो की दिक्कत तो आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, बैटरी जैसे आप चार्ज में लगाओगे 100% दिखाएगी, तो वो निकलेगी नहीं, प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस वाले रजिस्टर को बिल्कुल नहीं हटाए, डायरेक्ट इस वाले आईसी को चेंज कर दे, यहाँ पे रीडिंग चेक करके उसके बाद आप इस आईसी को रिप्लेस कर दें और आपका काम 100% हो जाता है। इसलिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको ही चेंज करें और रीडिंग चेक की और डायरेक्ट इसको चेंज करो, बाकी कुछ मत करो। अगर आपकी 29% की दिक्कत आ रही है, आप जैसे अगर बंद में अगर चार्जिंग लगा रहे 29% दिखा रहा है, और आप जैसे ऑन करते हैं फ़ोन को, तो टेम्परेचर टू लो का एक टाइमिंग आता है और फिर बाद में सेट हो जाता है शट डाउन। उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर होती है तो आप ये ज़रूर करें। ये मैंने अभी इसमें रिप्लेस कर रखी है, आपको शायद किसी किसी को लग रहा होगा कि उल्लू बना रहा होगा, लेकिन ये देखिए BQ निकाल रखा है, और सेकंड ये देखिए ये वाली चेंज कर रखी है, और थर्ड भी बता देता हूँ किसी को, और ये देखिए ये वाली मॉस्फेट है। ठीक है, ये देखिए साइज बराबर है, ये वाली मॉस्फेट है। तो ये सारी आईसियाँ मैंने इसमें बदली है, तब जाके ये फ़ोन हुआ है रेडी, और अभी बिल्कुल रेडी है। और किसी को अगर ऐसा लग भी रहा हो तो मैं बता भी देता हूँ, ये देखिए फ़ोन रेडी है। ये मतलब नॉर्मल आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया, ना कि मैंने रिपेयर करके बताने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट में अभी सोचा मैं बोला एक बार बता देते हैं, किसी भाई का फ़ायदा हो जाए इसमें, इसलिए इस वीडियो पूरा बनाया है मैंने। तो अगर किसी फ़ोन में अगर चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहा है, फ़ोन ऑन है, तो आप मॉसफेट को भी एक बार रिप्लेस मार सकते हैं, क्योंकि चेंज कर सकते हैं, करना बहुत ज़रूरी है। आप करके देखोगे तो ही पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो चल, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जिसने बेल घंटी दबा रखी है वो भी दबा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।